क्वेश्चन नंबर 62। किसी पौधे के भ्रूण पोष में 24 गुणसूत्र हैं। इस पौधे के बाह्य दल पुंज में गुणसूत्रों की संख्या होगी। द एंडोस्पर्म ऑफ ए प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स। द पेटल्स ऑफ दिस प्लांट विल हैव। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 16 गुणसूत्र, 16 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 63। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा 3, फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की यथातथ प्रभावी तरंग दैर्ध्य है। द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज। तो इसका आंसर होगा 4, रेड, लाल। क्वेश्चन नंबर 65। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। ट्रैकिंग इज इफेक्टिव मेथड ऑफ सोइल कन्वर्सेशन इन। तो इसका आंसर होगा सेकंड, पहाड़ी क्षेत्र में, इन हिली एरिया। क्वेश्चन नंबर 66। बोने से पूर्व कम तापीय बीजों की अभिक्रिया कहलाती है। द प्री सोविंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, वसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 67 है। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि उनमें होता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज दे हैव। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 68। स्टोमेटिया नियमन में निम्न धातु आयन प्रयुक्त होता है। द मेटल आयरन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 69। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, गुणसूत्रीय युग्म, क्रोमोसोमल पेयरिंग। सिनेप्टोनिमल किसकी संरचना है? क्रोमोसोमल पेयरिंग की। क्वेश्चन नंबर 70। क्रेंज शरीर मिलता है। क्रेंज एनाटोमी इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा C4 पौधे में, 3, C4 पौधे में। क्वेश्चन नंबर 71। एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को कहते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रभाविता, डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 72। जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटर रिएक्शन बिटवीन लिविंग और ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 73। अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्वेश्चन नंबर 73। अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्वेश्चन नंबर 74। भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 75। पौधे को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। ए प्लांट बीइंग ईटन बाय ए हर्बीवायर व्हिच इन टर्न इज ईटन बाय ए कार्निवायर मेक। फर्स्ट हो जाएगा भोजन श्रृंखला, फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 76। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा 3, विषाणु द्वारा, बाय वायरस। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर होगा सेकंड, एस्चेरिया कोलाई, या ई कोलाई भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 78। कब सेल्स पाए जाते हैं? कब सेल्स आर फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा 3, उडोगोनियम में। क्वेश्चन नंबर 79। कुर्सी फर्श में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है।
वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर होगा 4 एल्ब्यूगो द्वारा, बाय एल्ब्यूगो। क्वेश्चन नंबर 80, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया, पेनिसिलिन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय, तो इसका आंसर होगा 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 81, रेनडियर मांस एक लाइकेन है जो मनुष्य खाने में प्रयोग करता है, यह निम्न जीनस से संबंधित है, रेनडियर मॉस इज ए लाइकेन यूज एज ए फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू द जीनस, तो इसका आंसर होगा 3 क्लेडोनिया, क्लेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 82, जीवाणुओं में सर्वन क्रिया का स्थान होता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो आंसर हो जाएगा 3 मिसोसोम्स, मिसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज बाय, तो इसका आंसर होगा 2 रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, फाइटिंग विद डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 84, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली सवाल होती है, प्रोटीन रिच एल्गी इज, तो इसका आंसर होगा 4 स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 85, बैटरी को स्पर्मन होता है, बैटरी को स्पर्मन इज, तो इसका आंसर होगा 3 एलवण जलीय सवाल, एलवण जलीय लाल सवाल। रोग जनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे उसके किसी भाग अथवा ऊतक का समानित विकास कहलाता है, रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट, प्लांट पार्ट्स ऑफ सर्टेन टिश्यू ड्यू टू इन्फेक्शन बाय पैथोजन इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा रुद्धवर्धी हाइपोप्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 87, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है, कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, तो इसका आंसर होगा 3 मार्केला एस्क्यूलेंटा, मार्केला एस्क्यूलेंटा। क्वेश्चन नंबर 88, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मोद्भिद में अंतरकोशिक संश्लेषण किए गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, नेम ऑफ द ब्रायोफाइट वियर द गैमेटोफाइट कॉन्टेंस इंटरसेलुलर म्यूकिलेजिनियस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसका आंसर होगा 2 एंथ्रोसिरोस, एंथ्रोसिरोस। क्वेश्चन नंबर 89, किसके बीजाणुद्भिद में प्रचंड ढक्कन पेरिस्टोमीय दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है, प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा अपरकुलम एनुलस पेरिस्टोमल टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेरोफाइट ऑफ, तो इसका आंसर होगा 4 फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन ए वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, तो इसका आंसर होगा 2 टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 91, अंतपादी कवक मूल किसके युग्मोद्भिद में बनते हैं, किसके युग्मोद्भिद प्रोथेलम में बनते हैं, एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथेलमस ऑफ, तो इसका आंसर होगा 1st लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। क्वेश्चन नंबर 92, सिलेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है, सिलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर होगा विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लैंग्यूल युक्त पक्तियां, ट्रिबिकुलिया अंतस्तवचा, हाइड्रोस्पोरी, राइजोफोर, लैग्यूट लीव्स एंड ट्रिबिकुलेटेड एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 93, उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयतल फ्लोएमी नालरम पाया जाता है, नेम ऑफ द प्लांट वियर एम्फीफिलिक सिफ्नोस्टील इज फाउंड इन राइजोम, तो इसका आंसर होगा 4 मार्सीलिया, मार्सीलिया। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है, विच वन ऑफ द फ्लोविंग सोर्स एपोगेटोट्रोफिक नेचर, तो इसका आंसर होगा एपियोजियोट्रोफिक नेचर, तो इसका आंसर होगा 2 परवलाभ जड, कोरेलाइड रूट। क्वेश्चन नंबर 95, किसमें यूस्पोरोजिएंट लघु बीजाणु धानिया एवं पाशर पक्षोयुक्त प्रांगण पाए जाते हैं, किसमें यूस्पोरोजिएंट लघु बीजाणु धानिया एवं
पातर पक्ष युक्त परागकण पाए जाते हैं जो स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कॉन्टेनिंग विंग्ड पोलन ग्रेन अकरिंग। विंग्ड पोलन ग्रेन किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड पाइनस। क्वेश्चन नंबर 97, राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड द फॉसिल ऑफ राइनिया? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट किंगस्टन एवं लैंग ने। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणु धानिया एवं गुरु बीजाणु धानिया सोराई के अंदर पाई जाती है? इन विच ऑफ द फ्लोविंग सोरी इनक्लोजिंग माइक्रो एंड इन विच द फ्लोविंग सोरी इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट स्पेरोकार्प। क्वेश्चन नंबर 99, मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है? द ड्रग टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेंड फ्रॉम? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सिनकोना छाल से। सिनकोना बार्क हेबोलियन भ्रूणकोष पाया जाता है। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन? तो इसका आंसर होगा सेकंड एंडोक्सा में, इन एंडोक्सा।